नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी क्लब राजस्थान XYZ में स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली दोस्तों राजस्थान GK से संबंधित होने वाली है। राजस्थान GK में अपन दोस्तों प्रश्नोत्तरी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों, MCQs टाइप क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, वो भी नवीनतम अपडेट 2024 के साथ में, ठीक है। और जो भी क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं जिला दर्शन के अनुसार डिस्कशन कर रहे हैं। और जिला दर्शन में अपन ने सबसे पहले जयपुर संभाग के बारे में डिस्कशन किया था। जयपुर संभाग में टोटल 7 जिले आते हैं, 7 जिलों के बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों जोधपुर संभाग प्रारंभ किया। जोधपुर संभाग में अपन जोधपुर शहर के बारे में दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे 40-50 क्वेश्चन उनके बारे में देख चुके हैं। और आज की इस वीडियो में दोस्तों जोधपुर ग्रामीण से संबंधित अपन डिस्कशन करने वाले हैं। जोधपुर ग्रामीण से संबंधित दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। और वीडियो नंबर की बात करें दोस्तों, वीडियो नंबर अपने 20वें नंबर की वीडियो है, ठीक है। और आप राजस्थान से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, CET हो, चाहे रीट मेंस हो, पशु परिसर हो, ये सभी एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो पूरी देखना, आपके लिए बहुत शानदार होने वाली है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने। राजस्थान के किस जिले का पुनर्गठन कर जोधपुर ग्रामीण नामक नए जिले का गठन किया गया। तो यहाँ पे दोस्तों राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसका पुनर्गठन किया गया और जोधपुर ग्रामीण जिले का निर्माण किया गया। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, जोधपुर से। जोधपुर जो जिला है दोस्तों, जोधपुर जिले का पुनर्गठन करके जोधपुर ग्रामीण का निर्माण किया गया, जोधपुर शहर का निर्माण किया गया और फलौदी भी दोस्तों मतलब कि जोधपुर से निकाला गया, ठीक है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, जोधपुर। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी तहसील जोधपुर ग्रामीण जिले के अंतर्गत आती है, नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जोधपुर ग्रामीण जिले के अंतर्गत कौन सी तहसील नहीं आती है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेतरावा। सेतरावा जो तहसील है दोस्तों जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी बालेसर, सेखाला और जंवर, ये जो 3 तहसीलें दोस्तों इस जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत आती है। और जोधपुर ग्रामीण में जो तहसीलें आने वाली दोस्तों, वो तहसीलें कौन कौन सी हो जाएगी, कुंडी, भगतासनी, लोणी, जवर, बिलाड़ा, भोपालगढ़, पिपाड़ सिटी, ओसिया, तिवरी, बावड़ी, शेरगढ़, बालेसर, सेखाला, चामू, ये तहसीलें सभी की सभी जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत आती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जोधपुर ग्रामीण जिले की सीमा राज्य के कितने जिलों में लगती है। तो यहाँ पे दोस्तों जोधपुर ग्रामीण जो जिला है दोस्तों, ये राज्य के कितने जिलों के साथ में सीमा बनाता है, तो ये 6 जिलों के साथ में टोटल सीमा बनाता है, ठीक है। वो 6 जिले कौन कौन से, तो 6 जिले आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों। 6 जिले हैं, सबसे पहले फलौदी के साथ में सीमा बनाता है जोधपुर ग्रामीण, उसके बाद में नागौर के साथ में सीमा बनाता है, ब्यावर, पाली, बालोत्रा वो जैसलमेर के साथ में जोधपुर ग्रामीण सीमा बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सचिया माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो सचिया माता के मंदिर की बात करें दोस्तों, इसका मंदिर है जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत आएगा, लेकिन कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ओसिया के अंतर्गत, ठीक है। सचिया माता का मंदिर कहाँ पे, ओसिया के अंतर्गत स्थित है। और ओसिया कहाँ पे दोस्तों, जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत पड़ेगा। और इसका निर्माण करवाया था दोस्तों 11वीं सदी में इसका निर्माण करवाया था उपल देव परमार के द्वारा, ठीक है। उत्पल देव परमार के द्वारा इसका निर्माण किया गया 11वीं शताब्दी में। और सचिया माता दोस्तों ओसवालों की कुल देवी है, ठीक है, ओसवालों की कुल देवी है। और स्थित कहाँ पे दोस्तों, ओसिया के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, ओसिया का प्राचीन नाम क्या है। तो ओसिया के प्राचीन नाम की बात करें दोस्तों, इसका प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, उपकेशपट्टनम, ठीक है, उपकेशपट्टनम। नेक्स्ट देखिए, तो ओसिया को दोस्तों राजस्थान का भुवनेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। और एशिया का जो पुराना नाम है, प्राचीन नाम है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, उपकेशपट्टनम। नेक्स्ट देखिए, ओसिया के जैन व वैष्णव मंदिर किस कला की मंदिर पीठ स्थापत्य कला के उदाहरण है। तो यहाँ पे दोस्तों ओसिया के जो जैन और वैष्णव मंदिर है, ये किस कला मंदिर की स्थापत्य कला का उदाहरण है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये गुज्जर प्रतिहार कला के उदाहरण है, ठीक है। ओसिया के जो जैन मंदिर है और वैष्णव मंदिर, ये कौन सी कला से संबंधित है, गुज्जर प्रतिहार कला से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, ओसिया में महावीर स्वामी जी का मंदिर समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था। तो ओसिया के अंदर दोस्तों महावीर स्वामी जी का जो मंदिर है, जैन मंदिर है, इसका निर्माण किस राजा के काल में हुआ था। तो ये दोस्तों निर्माण हुआ था वत्सराज के काल में, ठीक है। वत्सराज का जो राज्य काल था दोस्तों, उसी समय में महावीर स्वामी जी का मंदिर का निर्माण हुआ था, जो कि दोस्तों एक जैन मंदिर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ओसिया में स्थित हरिहर मंदिर, सूर्य मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो ओसिया दोस्तों, ओसिया कहाँ पे स्थित है, जोधपुर ग्रामीण में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों हरिहर मंदिर है और सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर को दोस्तों राजस्थान का मतलब कि
कोणार्क भी कहा जाता है, ठीक है। सूर्य मंदिर को राजस्थान का कोणार्क भी कहा जाता है, कोणार्क, ठीक है। और इसको राजस्थान का ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान का ब्लैक पगोडा और राजस्थान का कोणार्क भी कहलाता है सूर्य मंदिर। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा मंदिर राजस्थान का कोणार्क कहलाता है? तो वापस वही क्वेश्चन आ गया। तो राजस्थान का जो कोणार्क कहलाने वाला जो मंदिर है दोस्तों, वो कौन सा मंदिर हो जाएगा? सूर्य मंदिर है, ठीक है। सूर्य मंदिर एक तो ओसिया जोधपुर में स्थित है, एक सूर्य मंदिर दोस्तों झालावाड़ में भी स्थित है, जो कि मतलब कि जूते पहने हुए की मूर्ति स्थित है सूर्य मंदिर की झालावाड़ के अंदर, ठीक है। बाकी ये सूर्य मंदिर कहाँ पर? ओसिया जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण में आता है। और इसको राजस्थान का कोणार्क भी कहते हैं और ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, बाकी दोस्तों हरिहर मंदिर, हरिहर मंदिर ये भी ओसिया में, महावीर स्वामी जी का मंदिर ये भी ओसिया में स्थित है, और सच्चिया माता का मंदिर ये भी दोस्तों ओसिया के अंदर स्थित है। और सच्चिया माता का निर्माण किसने करवाया था? उत्पल देव ने इसका निर्माण करवाया था 11वीं शताब्दी में। और ये ओसिया का जो मंदिर, सच्चिया माता का मंदिर है, ओस वालों की कुलदेवी माना जाता है, ठीक है। राजस्थान के भुवनेश्वर के उपनाम से किस जिले के किसे जाना जाता है? तो राजस्थान का जो भुवनेश्वर है वो कौन से मतलब कि तहसील को जाना जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया को जाना जाता है, ठीक है, ओसिया। सिरवी जाति की कुल देवी आई माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो सिरवी जाति की कुल देवी है जिसका नाम है आई माता। ये जो आई माता का मंदिर दोस्तों, आई माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत, ठीक है। बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत आई माता का मंदिर है, जो कि सिरवी जाति की कुलदेवी है, जहाँ पे जो दोस्तों जो दीपक जलाया जाता है, दीपक के माध्यम से मतलब कि केसर टपकती है, ठीक है, जो कि कौन सी जाति की कुलदेवी है? सिरवी जाति की कुलदेवी है। नेक्स्ट देखिए, आई माता का बचपन का नाम क्या है? तो आई माता का जो बचपन का नाम है वो क्या हो जाएगा? जीजी बाई। आई माता का बचपन का नाम क्या हो जाएगा? जीजी बाई। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का वह चमत्कारी मंदिर जिसमें दोस्तों दीपक की ज्योत से केसर टपकती है, तो यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दीपक की ज्योत से जो केसर टपकती है वो कहाँ पे टपकती है? आई माता के मंदिर में। और आई माता का जो बचपन का नाम हो क्या हो जाएगा? जीजी बाई है, ठीक है। और इसका मंदिर कहाँ पर दोस्तों? जोधपुर ग्रामीण बिलाड़ा के अंदर स्थित है, बिलाड़ा। नेक्स्ट देखिए, कौन सी लोक देवी रामदेव जी की शिष्या भी मानी जाती है? तो रामदेव जी की शिष्या मानी जाने वाली माता जी भी कौन सी हो जाएगी? आई माता है, ठीक है। आई माता सिरवी जाति की कुल देवी है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस देवी का मंदिर दरगाह कहलाता है? तो दोस्तों यहाँ पे कौन सी एक देवी है जिसका मंदिर जो दरगाह कहलाता है? दरगाह दोस्तों जो आई माता है, इसका मंदिर दरगाह भी कहलाता है, ठीक है। आई माता का मंदिर दरगाह भी कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, बिल्लाड़ा में जसवंत सिंह द्वारा निर्मित जसवंत सागर बांध का निर्माण मतलब कि कौन सी नदी पे किया गया? तो यहाँ पे दोस्तों जसवंत सागर के द्वारा, जसवंत सिंह के द्वारा जसवंत सागर जो बांध बनाया गया ये कौन सी नदी पे बनाया गया? तो यहाँ पे इसका निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों जसवंत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और कहाँ पर करवाया? लूणी नदी के ऊपर करवाया, जसवंत सागर का, ठीक है। और कहा जाता है कि इसके अंदर 9 नदियों का पानी और 99 जो नाले होते हैं, नालों का पानी इससे बांध के अंतर्गत आता है, ठीक है, जसवंत सागर बांध के अंतर्गत। और उस समय में दोस्तों इसमें जो पैसे लगे थे वो पैसे कितने लगे थे? 9.5 लाख, ठीक है, 9.5 लाख पैसे लगे थे इसमें। और इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था 1889 में, इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था, और 1899 में ये पूरा हो गया था। लगभग 10 साल का टाइम इसमें लगा था जसवंत सागर को बनाने में। और किसने बनवाया था? जसवंत सिंह ने। कौन सी नदी पर बना हुआ? लूणी नदी पर। और नौ मतलब कि जो नदियाँ इसका पानी आता है, और 99 नालों का पानी इसमें आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डोली दवा आखेट निषेध क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो डोली दवा आखेट निषेध क्षेत्र कौन से जिले से संबंधित है? तो ये हो जाएगी दोस्तों जोधपुर ग्रामीण से संबंधित, ठीक है। डोली दवा आखेट निषेध क्षेत्र कहाँ से संबंधित है? जोधपुर ग्रामीण से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, साथीन आखेट निषेध क्षेत्र गुड्डा विश्नोई आखेट निषेध क्षेत्र किस क्षेत्र से संबंधित है, कौन से जिले से संबंधित है? तो यहाँ पे दोस्तों दो आखेट निषेध क्षेत्रों का नाम लिया गया, एक तो साथीन आखेट निषेध क्षेत्र, एक गुड्डा विश्नोई आखेट निषेध क्षेत्र। तो ये कहाँ से संबंधित है? ये भी दोस्तों अपने जोधपुर ग्रामीण से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और आज का अंतिम क्वेश्चन है, अमृता देवी मृग वन कहाँ पर स्थित है? तो अमृता देवी दोस्तों मृग वन की बात करें दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा? खेजड़ली
जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत, ठीक है, खेजड़ली जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत अमृता देवी मृग वन स्थित है। और राजस्थान के अंतर्गत टोटल 7 मृग वन है। 7 मृग वन कौन कौन से हैं, तो अशोक मृग वन जयपुर के अंतर्गत स्थित है, संजय मृग वन दोस्तों जयपुर ग्रामीण में स्थित है, माचिया सफारी मृग वन जोधपुर में स्थित है, अमृता देवी मृग वन खेजड़ली जोधपुर ग्रामीण में स्थित है, पुष्कर मृग वन दोस्तों पुष्कर अजमेर में स्थित है, सज्जनगढ़ मृग वन दोस्तों उदयपुर में स्थित है, और दुर्ग मृग वन दोस्तों चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 7 मृग वन है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको दोस्तों अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की सीरीज भी अपने चला रखी है, जिसमें लगभग आज की 165 नंबर की वीडियो अपलोड की जाएगी। ठीक है, उस चैनल का नाम है स्टडी राजस्थान 1000। ठीक है, स्टडी राजस्थान 1000, राजस्थान 1000 ये चैनल का नाम है, जहाँ पे दोस्तों एक सीरीज चला रखी है राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर के नाम से। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।